जन कल्याण शिक्षा संस्थान रुयाद में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां लोक सेवा व्रत के संस्थापक अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय अटकरी ने ध्वजारोहण किया। ग्रामीण लोक कल्याण शिक्षण संस्थान रुयाद द्वारा संचालित आदर्श जीवन विद्यालय रुयाद में लोक सेवा व्रत के संस्थापक अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय अटकरी ने सबसे पहले भारत माता की छवि की पूजा की और पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय गान गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान के लिए प्रजासत्ताक दिवस के साथ संविधान के महत्व पर जोर दिया और सीमा पर तैनात जवानों को भी बधाई दी। हमारी सुरक्षा के लिए झंडा फहराने के बाद सदस्यों ने देशभक्ति के गीत गाए, इसमें शामिल हुए और फिर उपस्थित लोगों को मिठाइयां बांटी गई। इस समय विजय गोरपड़े सरपंच, गणेश महतुरे उप सरपंच, ग्रामीण लोक शिक्षण संस्था रुयाड उपाध्यक्ष विनोद नाकाड़े, कोषाध्यक्ष वासंती खंडेचोड़, सदस्य पुरुषोत्तम गोरपड़े, मुख्याध्यापक चंदू खांबलकर, जिला परिषद प्राथमिक शाला मुख्याध्यापक कावटेसर, तंटामुक्ति अध्यक्ष मारुति लुटे, पुलिस पाटिल निकेश बांते, माजी सरपंच नेहा ढेंगे, महेश लांजेवार, कृष्णा देशमुख आदि विशेष रूप से मौजूद थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।